मेड विद फन में आपका स्वागत है। आज हम चने की दाल भर के गोझा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए एक बर्तन में हमने आटा लिया है और उसमें एक चम्मच नमक डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा को गूंद लिया है। अब इसके बाद हमने चने की दाल को 2 घंटे पहले गुनगुने पानी में भिगो दिया था, जिससे अच्छे से फूल जाए। जैसे ही हमारे चने की दाल फूल जाए, उसको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिक्सी के जार में डालकर उसको एक पेस्ट बना लेंगे। और दूसरा जार लेंगे, जिसमें लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च के 3-4 टुकड़े डालेंगे और इसका भी एक अच्छा सा पेस्ट बना कर रख लेंगे। अब इसके बाद में एक बाउल लेते हैं। बाउल में हमने जो दरदरा पीस के रखा हुआ था चने की दाल, उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उसमें हम लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट तैयार कर रखा हुआ था वो डाल देंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे, आधा पिसा हुआ काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, बस ये 2-3 मसालों से ही ये पिट्ठी तैयार की जाती है हमारी। अच्छे से मसालों को मिला लेंगे और पिट्ठी तैयार कर लेंगे। जैसे ही हमारी पिट्ठी तैयार हो जाए, आटा जो हमने गूंधा हुआ था उसकी रोटी के आकार की लोइयां बनाकर और पूड़ी जैसे बेल लेंगे। चारों तरफ से गोल अच्छे से बेल के उसको हथेली पे लेंगे। हथेली पे लेके जो हमने चने की दाल की पिट्ठी तैयार करी थी, उसको चम्मच की सहायता से डाल देंगे और चारों तरफ से पानी से लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद में चिपका देंगे अच्छे से। जब सब चिपक जाए अच्छे से, तो उसको जैसे गुजिया में हम डिज़ाइन बनाते हैं हाथ से, ऐसे ही इसमें भी हम धीरे धीरे डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन बनाने से क्या है कि बहुत ही सुंदर लगते हैं, हम सादे भी बना सकते हैं। देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम गुजिया जैसी लग रही है देखने से। अब हमने सारी गोझा बनाकर तैयार कर ली। अब एक कढ़ाई में पानी लेते हैं और जैसे ही पानी उबल जाए, जो भी हमने गोझा बना के रखे हुए थे वो सब पानी में डाल देंगे। 20 मिनट तक उबालना है और जैसे ही गोझा बन जाएगा तो वो पानी पे तैरने लगेगा और जैसे ही तैरने लगे, उसको धीरे धीरे हम सबको एक थाली में निकाल लेंगे। सारे गोझा को एक थाली में निकाल के ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए उसको रख देंगे और फिर जैसे ही ठंडे हो जाए उनको पीस में काट लेंगे, पतले पतले पीस में काट लेंगे। देखिए हमने पतले पतले पीस में काट लिए हैं गोझा को। अब एक फ्राई पैन लेंगे और उस पर हम तेल डालेंगे। तेल अच्छे से चारों तरफ से मिला लेंगे और उसमें एक एक करके जो भी हमने पीस काटे हुए थे वो सब उस पर सजा देंगे। सारे जितने भी पीस हैं हमारे, हमने उसको सबको सजा दिया है और सजा देने के बाद में जब सारे आ जाए फ्राई पैन पे, तो उसको एक एक करके पलट पलट के अच्छे से दोनों तरफ से उसकी सिकाई करनी है। देखिए सारे पीस हमारे आ गए हैं। अब इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से देखिए हमने फ्राई कर लिया है। अब दूसरा बर्तन लेंगे, कढ़ाई को रखेंगे गैस पे और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाए, एक एक करके गोझा उसमें डाल देंगे। गोझा जो बनाया जाता है, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं और सेल्फ फ्राई करके भी बना सकते हैं। आपका जैसा मन करे आप डीप फ्राई भी कर लीजिए और आप सेल्फ फ्राई करके भी खा सकते हैं। सेल्फ फ्राई में तेल कम लगता है, डीप फ्राई में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, तो आपकी जो इच्छा हो वो आप बना के खा सकते हैं। देखिए सारे हमारे गोझा जो हैं तल चुके हैं। प्लेट में निकाल लेंगे सारे गोझा को और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गोझा। हम दोनों तरह से बना सकते हैं। धन्यवाद।